हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो पंडित की बेटी तो इतनी इनोसेंट है कि उसको कुछ भी नहीं पता उसके पापा क्या कर रहे हैं, राधिका किधर है। और यहाँ समर बेचारा चेकबुक लेके बैठा हुआ है कि ब्लैंक चेक में जितना अमाउंट भरना है भर दो और मेरी बीवी को रिलीज करो। और यहाँ इनका कहना है कि आपकी बीवी कहाँ है आप जानो, यहाँ थोड़ी ना है। तो समर से मैं एक चीज़ बोलूँगी कि तुम उस घर में जाकर जो बैठे हो चेकिंग क्यों नहीं करते हो? तुम तो पूरा रूम चेक कर सकते हो, अगल बगल और भी जो रूम्स होंगे उसको भी चेक कर सकते हो। तुम यहाँ पे सिर्फ चेकबुक लेके बकबक बकबक करते जा रहे हो। और एक चीज़ तुमको मैं याद दिलाना चाहूँगी, आजकल तो हर एक छोटे मोटे फ्लैट्स में भी सीसीटीवी कैमरा पूरा कवरेज करता है, पूरे तुम्हारे सीढ़ी के आसपास सब कुछ बाहर तक। तो तुम्हारे वहाँ पे सीसीटीवी का कैमरा नहीं है? तुम्हारे तो घर तक में कैमरा लगा रहता है। तो सीसीटीवी कैमरा क्या तुम्हारे नीचे तुम्हारे उसमें कॉरिडोर में तुम्हारे वहाँ नहीं है, जो तुम्हारे तुम देख भी नहीं सकते कि पंडित के संग पंडित की बेटी भी मिली हुई है? यहाँ ये इतने बार बोल दे रही है तुम्हारे बोलने के बावजूद कि राधिका की मम्मी खुद यहाँ बात करके गई है, अपनी बेटी से मिल के गई है, फिर भी इसका एक ही कहना है कि राधिका यहाँ नहीं है, मेरे पापा जानते होंगे, पापा से पूछो, पापा की करनी मुझे क्यों? अरे लड़की, पापा की करनी तुम्हारे ऊपर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम अपने पापा के संग शामिल हो। तुम्हारा नाम है रोशनी और काम करती हो अंधेरे वाले, दूसरों के जीवन में अंधेरा डालती हो। कैसी लड़की हो तुम, मुझे समझ में नहीं आता। अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो। जब तुम बोल रही हो कि अंकित मेरा पति है, अंकित को लेके आओ, अंकित के संग मैं जब चीख रही थी चिल्ला रही थी अंकित के संग घर बसाने के लिए, कोई मेरा साथ नहीं दिया, तो तुम इस तरीके से बदला लोगी? तुमको करना है अंकित से बात, तुम अंकित से सीधा बात करो। इन लोगों से बात करके तुम्हारा क्या हुआ? इन सब से शादी की हो क्या तुम? तुम तो अंकित से शादी की हो, जब वो घर नहीं बसा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो दूसरे को ब्लेम करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। और यहाँ पे तुम जो इतने बड़े गले करके बोल रही हो कि मुझे पैसे का धोस मत जमाओ, मैं पैसा ऐसा मुझे नहीं चाहिए, पैसे के लिए तो सब तुम बाप बेटी ये सब हरकत कर रही हो, पैसे के लिए तो अंकित का साथ नहीं छोड़ रही हो, तो अंकित में तुमको क्या इंटरेस्ट? तुम तो अपने आप से मतलब रखती हो, अपने बाप से मतलब रखती हो। और यहाँ तक कि जो लड़के तुमको कोई भी एक लंगड़ा लुड़ा लड़का भी खड़ा कर दो पैसे वाला, वो भी तुमको पसंद आ जाएगा। तुम ऐसी लड़की हो और यहाँ पर तुम बोल रही हो कि मेरा कोई साथ नहीं दिया। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ। इससे नौटंकी तो बढ़ती जाती है दिन पर दिन। और यहाँ पे समर जो चेक लेके बैठा हुआ है, चेक एक्सेप्ट होता है कि नहीं ये भी देखते हैं। तो जिसको मुझे बहुत अच्छा लगा लाइक।